नाजरीन देखें, ये इन भाई की हाथ की हालत, ये कलाई के ऊपर इनकी जो ऑपरेशन हुआ, हड्डी टूट गई इसके, ये कलाई। अब इसको जो ना सीधा करना इनके लिए थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, ये देखें। और इसी तरह इनके जो पट्ठे खिंचाई हो गए, ये कटौती हो गई, पट्ठे खिंचाई होने की वजह से इसकी जो बाकी रगे वगैरह हाथ इस, ये देखें उंगल भी इसकी ये पूरी नहीं है, और इसी तरह ही हाथ रह जाता है आगे, ये हाथ इसका काम नहीं करता। ये देखिए आपके सामने, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह इस पर फजल करे, और बोलने की सलीहत भी इसी तरीके नहीं है। और इसका ये स्पेशल कार्ड है माधुरी वाला, ये मोनोग्राम देखें। इसके अलावा ये इसका नीचे सर्टिफिकेट पड़ा हुआ आपके सामने है, और ये इनके बच्चे रहे, इनकी दोनों बेटियाँ, ये भी जवान और इनके साथ विशेष, ठीक है जी। और ये तीन बेटे, ये चौथा बेटा आपने वीडियो में वो भी देखा। अब हम आपको इनका बाकी रूम वगैरह भी दिखाते हैं, रूम की सूरत अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानियाँ अता फरमाए। नाज़रीन मैं आगे बढ़ता हूँ, दिल खून के आंसू रोते हैं, यकीन जाने ऐसा दर्द और दुख देखते हैं कि बयान करना भी हमें बाज़ वक़्त बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे बयान करें। लेकिन इनके हालात आपसे शेयर करते हैं, ये जो फैमिली बैठी है आपके सामने जो देख रहे हैं, तीन बच्चे उस तरफ और चौथा ये, और दो बच्चियाँ दरमियान में, इनके बारे में बताते हैं आपको। बाजी से सवाल करते हैं, अब इन्हें क्या ज़रूरत, क्या मसल, क्या परेशानियाँ हैं, जी बाजी आप बताएँ। सारी अमदाद करेगी ते मेरे घर आली बहां ए त्रुटी होए अस में लोकां दा काम कार ते बच्चियां दा पाट पाल दियां ते मेरे घर दी रोजी बड़ी औखी है, मैं आप ही काम कार दियां, मेरे कमरे च पानी आंदा है, मेरे कमरे भी चिक्के हैं, नहीं कमरे दी हस्ती थिंदी उठारां दी, गेट भी टूटा होया है, ते पर्दा ही है ना, बाथरूम ही है ना, नलका वगैरह है, बस बहुत तंग आ मैं, मेरे घर वाल दी बांह त्रुटी हुई है, काम नहीं कर सकता मैं, झाड़ू बौखा रोन दे नाल भी दीवान। अच्छा बाजी ये बताएं आपके जो शोहर हैं कहाँ काम करते हैं? बस बारी दे हुण मैं दा स्कूल दे। स्कूल दे जी? स्कूल वाले कितनी तनख्वाह देने? 3000 एक स्कूल दी है, 7 बाय स्कूल दी है। नाजरीन दो स्कूल इनके घर के करीब हैं, एक में 3000 एक में 7000, लेकिन ड्यूटी तो इसकी है वहाँ, उसकी सरकारी नौकरी नहीं है, वैसे कनेक्ट बरती भी नहीं है, सरकारी भी नहीं है, कनेक्ट बरती भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये जाते हैं करने के लिए, इन्हें मैंने बताया कि सरकारी जॉब करा लें तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं वो भी हम आपको कैमरे पर दिखाएंगे, डिसेबल सर्टिफिकेट, इसके अलावा स्पेशल कार्ड जो माधुरी वाला बना होता है वो, मोनोग्राम व्हीलचेयर के साथ, वो भी हम आपको इस कैमरे में दिखा देंगे, पूरी इस ख़ानदान की डिटेल आपको मिल जाएगी। अब इनकी जो साथ शोहर बैठे हैं इस तरफ भाई, तो ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि ये अपना मसाइल परेशानी बताएंगे, इसकी बोलने की तरह आवाज़ गौर कीजिएगा कि किस तरीके बात करते हैं। हेलो ऊंचा बोले, ऊंचा जरा। हेलो छाई बा ओखी पाम छिया बा भनी मई जी छाई बा भनी कोई काम कानी करवा वो जी छाई ओखी। नाजरीन यहाँ गौर कीजिएगा कि इस भाई से बोलना, मैंने आपको सुनाना इसलिए मकसद था ताकि आपको मालूम हो, ये बोलने के भी इसको जबान में कोई तंदवा या जो भी कहते हैं वो डॉक्टर जरा बता सकते हैं, इसी तरीके बात नहीं कर सकते। मैंने खुद यानी कि इसकी बात को समझने के लिए उस बात को जो इन्होंने दोहराई मैंने 10 मरतबा दोहराई, दोबारा उसको कहा जरा बताएं, फिर समझ मुझे ना आई, फिर उसका तर्जमा इनकी बच्चों ने किया और उसकी मिसेस साहबा ने किया कि ये कह रहे हैं, ये अल्फाज जो है मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या कह रहे हैं। एक तो ये इन इशू है, दूसरा इनका जो बाजू टूटा है वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे, आप देख भी रहे हैं, जरा मैं उसको करीब से दिखाऊँगा कि उनके उस हाथ से क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं, बड़ी मुश्किल और बोलने के लिए भी किसी के बात नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है इनके ये जो बच्चे देख रहे हैं बेटे, बाजी जरा बेटों के बारे में बताएं, आपके बड़ा बेटा कौन सा है? बड़ा बेटा वकास। अच्छा बड़ा बेटा वकास है भी, इदनान है भी, फिजान है भी, अब्दुल्ला। नाजरीन बड़ा बेटा ये बच्चे को देख रहे हैं जिसने कमीज पहनी हुई है, ये आपके सामने कमाने के काबिल है तो आप खुद फैसला कीजिएगा, फिर दूसरा भी वो मौजूद है जिसने तौलिया बांधा हुआ है, और इसकी वजह मैंने पूछी क्यों, कहे भी कपड़े नहीं हैं,
ठीक है जी, कपड़े फटे हुए हैं वो नहीं है। इस तरह ये बच्चा छोटा है, फिर लास्ट ये बच्चा जो गोद में लिया हुआ है इसका नाम भी अब्दुल्ला, और ये दो बच्चे जो जवान हैं इनकी, एक बहन इनकी और है तीसरी, वो शादीशुदा है। जो तो नहीं मुझे अबू ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, घर का खर्चा बहुत मुश्किल पूरा होता है। मेरा ख्वाब था मैं पढ़ के आलम दीन बन लूँ, और बहुत ख्वाब था, कोई भी नहीं पूरा हो सका। मेरी छोटी बहन है उसका ख्वाब था डॉक्टर बन, पर ना हम लोग पढ़ सके ना कोई ख्वाब पूरा हो सका। सब ख्वाबों पे पानी फिर गया, चुकना चूर हो गए जब इनके वालिद साहब का हादसा हुआ, उनके बालू टूट गए और एक्सीडेंट हादसे में, और उस वजह से ये तलीम हासिल ना कर सकी, और ये बच्ची भी जवान है। अच्छा बाकी ये बताएं कि इनके आपने कहा शादी की बात जो थी वो ज़रा आप बताइएगा खुद ही। नाजरीन इन्हें जो है एक तो ये कहना है कि बच्चियों के निकाह हुए पड़े हैं, यानी मंगनियाँ रस्म जो थी वो सारी पूरी होगी, निकाह भी हुए पड़े हैं, फुर्सत नहीं है कि किसी एक को रुख्सत कर सकें, वाशरूम का इशू, बच्चियों की शादी का इशू, हत्ता कि जो रूम है वो मैं यहाँ अपने कैमरे में इनको कहूँगा चाचा जी ज़रा ये अपना इनका दिखाएं, इधर उधर दरवाजे वाले साइड में ये ऊपर ऊंचाई कितनी है नीचे कितना है आप ये देखें कि, और रूम के अंदर की हालत भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये फैसला देखिएगा इनका दरवाज़ा तक नहीं है, हालांकि जवान बच्ची हैं इनके लिए पर्दे का इशू है, मसला है, और इस रूम को उखाड़ कर ऊँचा करना है, इनके यहाँ पे इनके लिए बारिश जब आती है पानी अंदर चला जाता है, बड़ा इशू बन जाता है, मसला बन जाता है। तो अब इनके आते हैं, हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, ज़रा भाई ये दिखाना अपना इनका, जी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सर्टिफिकेट, ये माजूरी वाला सर्टिफिकेट है इनका, ठीक है जी, इस भाई का माजूरी वाला सर्टिफिकेट है, और इनका ये शनाख्ती कार्ड मेरा भी इस तरह का बना हुआ है मोनोग्राम, ये आप देख रहे होंगे, और इनके बाजू की जो हालत है वो भी आपने देख ली। बाकी इनके साथ आप लोगों ने हेल्प करनी है, मेरा काम था इनका पैगाम आप तक पहुँचाना, कैंपेन मैंने चलाई, अब आगे आप बहन भाई जो हैं कि जो कैंपेन चला सकते हैं, यानी वीडियो को शेयर करें, आगे लाइक करें, जो मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद करें इनकी, और आपकी अमानत इन तक पहुँच जाएगी, और ये फैमिली ये खानदान दुआएं देता रहेगा। मकड़ाड़ी मेरी टूट गई है भाई, मेरा करण वाला है कहना मैं को तो समदाद करो। नादरीन इनकी गर्दन यानी जो गला है उधर देखें, हम बेपर्दगी नहीं कराना चाहते, ये प्लस्तर की जो पट्टियाँ चढ़ी हुई हैं इनकी हड्डी जो मकड़ हड्डी होती है ना जो उस वो टूट गई है, अब इसका ऑपरेशन भी नहीं होता और इसका कोई हल नहीं, यानी कि ये बांध बांध के इसी तरह अगर ये जुड़ जाए तो जुड़ जाए, नहीं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेगी, और कितनी इस बहन के लिए तकलीफ दे होगा। अल्लाह रहम फरमाए, ये देखें ये और भी लगे हुए हैं, यानी कि मैंने खुद भी नहीं देखे, ना मैं देखना चाहता हूँ भाजी, रहने दें, ना मैं खुद देखना चाहता हूँ ना ही आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बस ये आपको पैगाम देना था, बता दिया जी। हमारे घर बहुत परेशानी है, एक टाइम की रोटी होती है एक टाइम की नहीं होती, बहन भाइयों को रुवा के सुला देते। नाजरीन इनके ये दरवाज़ा भी नहीं है, और इनके जो कादे हैं आपके सामने दरवाजे से ऊपर जा चुके हैं, अब ये अंदर इनको लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, और ये पहले इनका रूम बना था, बर्थी वगैरह यहाँ इन्होंने डाल के ऊँचा हो गया, लेकिन अब ये अंदर रूम में जाने के लिए ज़रा दिखाएं जी, ये देखें झुक कर ये इनको जाना पड़ता है, और हर दफ़ा ऐसे ही बाहर आना होता है, झुक के आना होता है, और ये पैदल यहाँ से चल अंदर जाने के लिए कितनी मुश्किल दुश्वारी होती है, और ये रूम इनका रहा, ठीक है जी, लेकिन नीचे है, बारिश वगैरह जब आती है तो पानी उसका इधर से जो है ना रेड कर अंदर सीधा इस तरफ चला आता है, ये इन्हें मुश्किलात का बहुत सामना है, इन्हें रूम की जो है ना इसको इस जो वक्फ़ा है ये छत का वो भी देखें, हाँ छत की तरफ मैं अभी जो वक्फ़ा देख रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा है, ये जो पुराने अपना स्लेपे जो हुआ करते थे वो डाली हुई है, टेल यानी कि दूध नहीं है जो करीब करीब एक एक फुट के फासले पे होती है, अब ये गिनती करें जी, एक दो तीन ये चार और ये पाँच, जबकि ये पाँच जबकि इनका जो रूम है कम से कम 15-15 फुट का है भाजी, ऐसे ही 15 फुट जी। आपका नाम क्या है? अरशाद। ये देखें इसको अपने नाम का भी सही पता नहीं कि आपका इसका नाम क्या है, आपके सामने कितनी मुश्किल है इस खानदान के लिए, मोहम्मद अरशाद ये नाम है, और अपना नाम भी नहीं बता, कितना सादा आदमी है, आप लोग खुद नोट कीजिएगा, इनके इस इन खानदान के लिए भरपूर सपोर्ट करनी है, इनका वाशरूम दिखाने के काबिल नहीं था
क्योंकि वहाँ उन्होंने खड्डा जो डाला हुआ है मैंने देखा है, और मैं आपको कैमरे पर नहीं दिखा सकता। यहाँ हम इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।